सदा वत्सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, जो विषय का शीर्षक है वो है, कहीं भारतीय जनता पार्टी की मैदान या पिच पर तो नहीं फंस गई है कांग्रेस। कांग्रेस को ये समझ ही नहीं आ रहा है कि बॉल कहाँ फेंके हैं और बॉल का जो बैट्समैन है उसको कौन सी बॉल ऐसी है जो सूट नहीं करेगी जिससे वो आउट हो सकता है। अभी तो हाल वो हो गया है कि तेंदुलकर सामने है, पैटरसन बॉल फेंक रहा है, शेन बॉर्न बॉल फेंक रहा है, लेकिन वो बॉल बाउंड्री के बाहर जा रही है तो वाइड बॉल भी फेंक रहे हैं। ये जो गीता प्रेस का मामला है जिसमें गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार दिया गया या उनकी घोषणा करी गई, वो कुछ ऐसा ही है। बहुत सोच समझ के ये दिया गया। मैं समझता हूँ इस पर पॉलिटिक्स का विषय नहीं है। बीजेपी जो सत्ता में है, सत्ता ने पॉलिटिक्स पर नहीं करी होगी निश्चित रूप से। वो सबसे डिजर्विंग कैंडिडेट हैं जिनको गांधी शांति पुरस्कार मिलना चाहिए था, और उनके विषय में जानकारी शायद कांग्रेस को जुटा लेनी चाहिए थी, तभी बात करनी चाहिए सभी विपक्षियों को, जो कि कुछ कह रहे हैं कि नहीं साहब, सेकुलर कंट्री में वो केवल धार्मिक ग्रंथ एक समुदाय विशेष के छापते हैं। मैं कल सुन रहा था कि उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि जो वो सांप्रदायिक हैं, वो सांप्रदायिक किताब छापते हैं, वो एक धर्म विशेष की किताब छापते हैं। भारत सेकुलर है, उनको कुरान भी छापनी चाहिए थी, उनको बाइबल भी छापनी चाहिए थी, और ये नहीं छापी इसलिए ऐसा है, इसलिए मैं धर्म विशेष कह रहा हूँ। वैसे वो अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है। तमाम विपक्षी दल इस बात के घोतक हो गए हैं कि गांधी शांति पुरस्कार गीता प्रेस को क्यों मिलना चाहिए। अब गीता प्रेस सन 1923 में इस्टेब्लिश हुआ, ये हम सबको मालूम है। उन परिस्थितियों में जब भारत को एक दिशा की आवश्यकता थी, आपको याद होगा कि जब आर्य समाज की स्थापना हुई तो आर्य समाज की स्थापना के पीछे भी यही उद्देश्य था कि लोग धर्म से भटक रहे हैं, और जितना लोग धर्म से भटकेंगे उतना ही देश में अव्यवस्था फैलेगी, परतंत्री हम पर शासन करेंगे। ये तो पक्की बात है कि दिमाग में एक बात रखनी चाहिए कि जो ज्यों ज्यों हिंदू घटा है देश बटा है, हिंदू घटेगा तो देश बटेगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना सन 1925 में हुई, गीता प्रेस के एस्टेब्लिशमेंट के 2 वर्ष बाद, उसमें भी यही उद्देश्य था। महर्षि उस समय आप याद करिए कि महर्षि अरविंद, जो कि भारत माता की पूजा करने लगे थे, भारत माता का मंदिर पुडुचेरी में बनाकर पूजा कर रहे थे, वो उन 4 पुरोधाओं में थे जिन्होंने 1905 का आंदोलन किया था। वो पहला स्वदेशी मूवमेंट भी भारत में माना जाता है। उस समय गांधी जी का नामो निशान भारत में नहीं था, हालांकि राहुल गांधी ने अभी विदेश में ये स्टेटमेंट दिया कि गांधी जी साउथ अफ्रीका में थे, उसका आंदोलन साउथ अफ्रीका से ही शुरू हुआ, मतलब स्वतंत्रता का आंदोलन साउथ अफ्रीका से शुरू हुआ, गांधी जी से आगे सोच ही नहीं पाए राहुल गांधी। सन 1857 की क्रांति के विषय में क्या कहा जाएगा, जो कि गांधी जी के पैदा होने से 12 वर्ष पहले हो चुकी थी, गांधी जी पैदा भी नहीं हुए थे। दूसरी बात है, गांधी जी 1916 में भारतीय राजनीति में आए, उससे पहले वो बैरिस्टरी कर रहे थे, उससे पहले वो वकालत कर रहे थे, और वकालत करने के उद्देश्य से ही साउथ अफ्रीका गए हुए थे। वहाँ फर्स्ट क्लास बोगी में चलते थे, वहाँ उनको धक्का मार के निकाला गया था। फर्स्ट क्लास बोगी में फर्स्ट क्लास का टिकट लेकर भी वहाँ अंग्रेज चुकी बैठे हुए थे, इनका रंग रूप देखकर इनको धक्का देकर निकाल दिया गया था। तब समझ में आया था कि परतंत्रता क्या होती है। उससे पहले गांधी जी को भी परतंत्रता समझ में नहीं आई थी, परतंत्रता के बारे में उनके मन में विचार भी नहीं था। खैर, वो वहाँ के लोगों के लिए इक्वलिटी को लड़ते रहे। मैं गांधी जी के योगदान को नकार नहीं रहा हूँ, कम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन गीता रहस्य नाम का एक संदेश लिखा था बाल गंगाधर तिलक ने मांडले जेल के दौरान, लाला लाजपत राय ने भी गीता के संदेश लिखा था। ये वो चीज़ें थी, ये वो ग्रंथ थे जो उस समय स्वतंत्रता के आंदोलन में भाग लेने वाले लोग, भारत के लोगों को प्रोत्साहित कर रहे थे कि भारत के लोग गीता पढ़ें, भारत के लोग महाभारत पढ़ें, भारत के लोग रामचरितमानस या रामायण को पढ़ें। इसीलिए गीता पर उस समय कई स्वतंत्रता सेनानियों ने भाष्य लिखे थे, और उन भाष्यों को उस समय आज़ादी के आंदोलन के साथ मिलाकर पढ़वाया गया था, क्योंकि भारत एक सांस्कृतिक हिंदू राष्ट्र है, और भारत में सांस्कृतिक हिंदू राष्ट्र की वजह से यहाँ पर आप अगर संस्कृति के बारे में उसको समझाएं और आज की परिस्थितियों से उसको मैच करवाएं किसी को भी, तो बहुत आसान रहता है भारत के लोगों को कन्विंस करना। इसलिए
क्योंकि हिंदू सहिष्णु होता है इसलिए उसको हनुमान जी की तरह उसकी शक्ति याद दिलवानी पड़ती है, और वो शक्ति याद दिलवाने का सबसे सुलभ साधन अगर कोई है तो वो गीता और श्रीमद् भागवत है, तो और रामचरितमानस है, महाभारत है, जो ये बताती है कि धर्म और अधर्म की लड़ाई क्या होती है और हमें क्या करना चाहिए। इसीलिए गीता रहस्य और गीता के संदेश नामक दो बड़े ग्रंथ उस समय लिखे गए, और वो दोनों ही बड़े स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे जिन्होंने 1905 के आंदोलन को चरितार्थ किया था। उसी आंदोलन में अरविंद घोष, जिसको बाद में महर्षि अरविंद घोष कहा गया, उनकी प्रेरणा से पूज्य डॉक्टर साहब जो कि संघ के संस्थापक थे उनको संदेश दिया गया था, और उस विषय के आधार पर ही उन चीज़ों को पूर्ण करने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई थी। आप सोचिए कि उस समय गीता की कितनी आवश्यकता थी, इसीलिए 1923 में गोयनका जी ने इसको स्थापित, गीता गोरखपुर गीता प्रेस को स्थापित किया था। गीता प्रेस की खास बात यह है कि वो विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक ग्रंथ छापने वाला एक संस्थान है, जिसने लगभग 50 करोड़ से ऊपर पुस्तकें छापी हैं, इनमें से लगभग 16 करोड़ तो केवल गीता है। आप अगर रामचरितमानस की बात करेंगे तो 14.5 करोड़ के लगभग रामचरितमानस छापी हैं। आप सोच लीजिए कि श्रीमद् भागवत, रामचरितमानस, गीता और महाभारत के ग्रंथों के एक्सक्लूसिव प्रिंटर वही हैं। पुराणों को भी, श्रीमद् भागवत कथा, श्रीमद् भागवत जो 18 पुराणों में से एक है, वो पुराण भी सबसे ज़्यादा उन्होंने छापकर बेचा है। अब उसको बेचना नहीं कहा जा सकता, उसको शुल्क कहा जा सकता, क्योंकि वो नॉन प्रॉफिटिंग संस्थान है। आज तक किसी अन्य से उन्होंने सहायता नहीं ली। आपको याद होगा बीच में बहुत कुछ मैसेज चले थे कि गीता प्रेस ने ये सहयोग किया और गीता प्रेस को कोई अब कंगाली में चल रहा था। ऐसे गीता प्रेस के नाम से वसूली करने वाले लोग भी भारत में आए, बहुत सारे हुए हैं। इसीलिए उस समय ये घोषणा कर दी गई थी, उस समय गीता प्रेस ने आगे आके कहा था कि हम किसी भी तरह से अपयश नहीं हैं, हम किसी भी तरह से पीछे नहीं हैं, और हमको कोई भी ये नहीं कह सकता कि हम किसी से मांग रहे हैं या संस्थान नहीं चल रहा है। आप सोचकर देखो कि उस समय गीता पढ़कर और गीता के संदेश को पढ़कर, श्रीमद् भागवत कथा को सुनकर कितने ही लोगों ने अपने आप को धर्म के साथ जोड़कर भारत की स्वतंत्रता के आंदोलन में भाग लिया। यहाँ तक कि जब गीता की बात आई और गीता चरित्र की बात आई तो आप ये सोच लीजिए कि गीता परिचायिका में गांधी जी ने स्वयं 1933 में उसकी भूमिका लिखी। गांधी जी के बारे में कहा जाता है कि गोरखपुर गीता प्रेस उनके बहुत बड़े सहयोगियों में से एक हुआ करती थी। यहाँ तक कि गांधी जी के बहुत सारे खर्चे भी, ऐसा कहना है लोगों का, कि गीता प्रेस के द्वारा उठाए जाते थे। आप सोचिए कि ऐसे गांधी को आइडियल मानने वाली गीता प्रेस, उसके विषय में ये कह दिया जाए कि ये वैसे ही अवार्ड है जैसे कि गोडसे को देना या फिर सावरकर को देना। आप सावरकर को गोडसे के साथ जोड़ते हैं, आप, मुझे नहीं लगता कि आप भारत को समझते भी हैं, लेकिन आपकी राजनीति है। आप किसको खुश करना चाहते हैं, किसी भारतीय को खुश करना चाहते हैं या किसी विदेशी को खुश करना चाहते हैं, ये तो आपके ऊपर है, आपको अच्छा मालूम होगा। लेकिन मुझे ये बिल्कुल साफ दिखाई पड़ रहा है इन परिस्थितियों में कि पूरी की पूरी विपक्ष फंस चुकी है भारतीय जनता पार्टी के इस बॉल से। अब उनको समझ नहीं आ रहा है कि ये बॉल छुएं या इसको जाने दें। अगर जाने देते हैं तो विकेट में लगती है, छूते हैं तो कॉटन बॉल हो रही है। इसलिए अब इस विषय पर मैं तो समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के पास जिस प्रकार का बुद्धिजीवी वर्ग है और जो उस विषय, इन विषयों पर काम करता है, इन विषयों पर विचार करता है, इन विषयों को लेकर आता है, और जिस प्रकार से सत्य के रूप में गांधी पीस पुरस्कार के रूप में उनको दिया जा रहा है या जिसको भी दे रहे हैं, आप पिछले 8-9 वर्ष से देख रहे होंगे कि डिजर्विंग कैंडिडेट ही अवार्ड ले रहा है। अब वो अवार्ड नहीं है कि उसमें राजनीतिक ऑब्लिगेशन हो, उसमें राजनीतिक रूप से किसी को समाहित किया जा रहा हो या राजनीतिक खेल किया जा रहा हो, कास्टिज्म के नाम से, धर्म के जान नाम से, प्रजाति के नाम से, आदिवासी के नाम से या फिर तुष्टिकरण के नाम से। ऐसा कोई खेल इस समय, पिछले कई वर्षों से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में बनी है, कोई खेलने नहीं दे रहे हैं। जो भी कैंडिडेट आ रहे हैं अवार्ड के लिए, उनके लिए लोग सहजता से कहते हैं नो ही वॉज द डिजर्विंग कैंडिडेट, ये बिल्कुल डिजर्विंग कैंडिडेट है। जो होना चाहिए अवार्डों के उद्देश्य से, अवार्ड का उद्देश्य
उद्देश्य जो बनाया गया वो उद्देश्य पूर्ण कर रही है सरकार, और इसी में गांधी पीस पुरस्कार या गांधी शांति पुरस्कार गीता प्रेस को दिया जाना अपने आप में ये बात बता रहा है कि भारतवर्ष में गीता प्रेस को कितना डिजर्व कर रही, गीता प्रेस कितना डिजर्व करती है। ये तो भूल उन लोगों की है, नकली गांधियों की, जिनको ये लगता है कि धर्म विशेष की किताब छापते हैं। गीता सबके लिए है, श्रीमद् भागवत सबके लिए है, रामचरित मानस सबको संदेश देती है, महाभारत सबको संदेश देती है। ऐसा भी कहा गया है कि संसार का कोई एक ग्रंथ अगर है जिसमें सब कुछ है तो वो महाभारत है, और ये भी कहा गया कि अगर महाभारत में जो प्रकरण नहीं है तो वो संसार में है ही नहीं। संसार का कोई भी ग्रंथ महाभारत को छू नहीं सकता। महाभारत में स्वयं में रामायण पूरी व्याख्यानित भगवान ने स्वयं भी करी है, युधिष्ठिर को करी है, ऐसे करके रामायण भी महाभारत में है। इसलिए गीता महाभारत में है, रामायण महाभारत में है, श्रीमद् भागवत महाभारत में है। ऐसे ग्रंथों को छापकर, ऐसे ग्रंथों को पूरे नॉन प्रॉफिट के आधार पर देकर गीता प्रेस ने जो कीर्तिमान स्थापित किया है वो अतुलनीय है। उसकी तुलना किसी और से की ही नहीं जा सकती, मतलब अतुलनीय, अतुलनीय का मतलब अतुलनीय है, तुलना कर ही नहीं कर सकता। अब ऐसी परिस्थिति में गीता प्रेस ने जो आज से 100 वर्ष पहले संकल्प लिया था कि हम किसी और की मदद नहीं लेंगे, हम स्वयं में इसको नॉन प्रॉफिट पर चलाएंगे, इसीलिए गांधी शांति पुरस्कार का जो पुरस्कार की राशि है वो राशि लेने से मना कर दिया उन्होंने, लेकिन पुरस्कार को वो स्वीकार करेंगे। आप सोचिए कि सरकार उनको राशि देना चाहती है, वो राशि को मना कर देते हैं। ये उनकी महानता है, और ये स्वयं में बताती है कि वो कितना डिजर्व करते हैं, इस बात के लिए डिजर्व करते हैं कि उनको इस प्रकार के पुरस्कार मिलने ही चाहिए। जब वो सरकारी राशि को मना करते हैं तो ये सिद्ध होता है कि वो कितने सत्यार्थ पर चल रहे हैं, वो कितने सत्य के मार्ग पर चल रहे हैं, और वो धन के लोलुप नहीं हैं। उनको सरकारी सहायता, सरकारी मदद नहीं चाहिए। पुरस्कार के रूप में जब आप सम्मान उनका कर सकते हैं तो वो केवल सम्मान को मांग रहे हैं। देश में सम्मान को मांगने वाली, सिर्फ सम्मान को मांगने वाली, या सम्मान मांगे नहीं, जो सम्मान को स्वीकार करने वाली सिर्फ कोई संस्थाओं में से एक है, तो वो गीता प्रेस है। इसीलिए कहा गया है कि गीता प्रेस कितनी डिजर्विंग है। ये तो मैं साफ कह रहा हूँ कि इसमें विपक्षी स्वयं फंस चुके हैं और उनके पिच पर खेल रहे हैं, वो जैसे चाहते हैं वैसे खिला रहे हैं। अब इनके पास वो बुद्धिजीवी वर्ग नहीं है जो इनको समझ सके, तो इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।